सो क्लास 7, तो व्हाट इज अवर लर्निंग गोल? वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक यू ऑल नो, विच एब्जॉर्ब वन और ऑल. कोई सा एक न्यूट्रिएंट भी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, चाहे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं प्लांट्स, बट किसी एक न्यूट्रिएंट के लिए, इफ द प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी से दैट दीज प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफ, राइट? देन टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस लेक्चर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इवन सम ग्रीन प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफिक. एज आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर सम प्लांट्स विच कैन फोटोसिंथेसाइज, दे आर ग्रीन प्लांट्स बट डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स फॉर वन और टू न्यूट्रिएंट्स. सो आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इवन सम ग्रीन प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफ. डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई. आर फंजाई प्लांट्स? हु विल टेल मी? आर फंजाई प्लांट्स? यस, सेवंथ जी. यस, एक सेवंथ एफ में से एक बचा रहा है. आ जा बेटा, आगे आ जा, जल्दी से आ जा बेटा. यस आर फंजाई प्लांट्स? फंजाई आर प्लांट्स? यस, बैठो बेटा बैठो. एनी अदर डिफरेंट आंसर? नहीं बेटा. सबसे पहले तो मैं तुम्हें समझाऊं कि फंजाई क्या चीज है. लेट मी पहले तो हम इसी की ही बात करें. फर्स्ट वी कम टू फंजाई. रिमेंबर दैट सबसे पहले तो दे आर नॉट प्लांट्स. ऑल्दो इनके बारे में प्लांट्स में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फंजाई दिया गया है, बट फंजाई आर नॉट प्लांट्स. वन थिंग, व्हाई दे आर नॉट प्लांट्स? दे आर नॉन ग्रीन, डू नॉट हैव क्लोरोफिल, एंड ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक. बट यू कैन आस्क मी कि वाई वी. बेटा इधर देखो, लिखना बाद में. सेवंथ बी लिखना बाद में बेटा, लिखना बट बाद में. पहले समझो, माइंड में लिखो कि आप मेरे से ये पूछोगे भी फंजाई हेटरोट्रॉफिक है, कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉफिक भी तो हो सकते हैं, तो हम फंजाई को स्पेशलाइज्ड हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स क्यों नहीं कहते? बिकॉज सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स. जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही डिफरेंट है. सेल स्ट्रक्चर आपके एट्थ में है, बट मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, ज्यादा तो नहीं, बट कि अगर अभी हम पिछले उस पे आके, आप नोट कर लेना, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड, राइट? तो जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है, उनको हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज, यस, क्या बोलते हैं? सेवंथ ई, जो फर्स्ट बेंच पे गर्ल बैठी है, वही बोलो बेटा. सेल बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. सो दे आर सेल. अगर हम प्लांट का सेल देखें, सेल
सबसे बाहर आ जाती है सेल वॉल। इनसाइड द सेल वॉल दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड ये बेटा सेंटर में बेटा वेस्ट डिस्पोजल, जहां पे सेल का वेस्ट डिस्पोज ऑफ होता है, दिस इज वैक्यूल। देन थोड़ा सा न्यूक्लियस एंड यू नो यहाँ पे बहुत सारी और चीजें होती है, मैं अभी बाकी सब चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। दिस इज साइटोप्लाज्म, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स। बट इफ वी सी द फंगल सेल, द सेल ऑफ द फंगस, है ना, ध्यान से। अभी मैंने आपसे पूछना है कि व्हाई फंजाई इज नॉट ए सेल, तो आपने ही मुझे बताना है। दिस इज सेल वॉल, इनसाइड देयर इज सेल मेम्ब्रेन, देन इन द सेंटर देयर इज न्यूक्लियस। यहां पे साइटोप्लाज्म है, जहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं जो हम क्लास 8th में जाकर करेंगे। बट दिस इज न्यूक्लियस, देयर इज नो वैक्यूल, राइट। तो नाउ गिव मी टू डिफरेंसेस, मैंने किससे बताना है, बेस्ड ऑन फर्स्ट आपने बताना है सेल स्ट्रक्चर, और दूसरा किस बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे, कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स यू हैव टू टेल मी डिफरेंस इन फंगस एंड प्लांट्स। यस, हु विल टेल मी, रेज योर हैंड। देखो 7th F में ही आ रहा है, और कहीं 7th G बेटा, कोई स्टूडेंट? हाँ जी 7th E, यस, एक स्टूडेंट का हाथ खड़ा है शायद। इज देयर एनीबडी 7th E? आ जाओ आगे आ जाओ, वेरी गुड। सारा तो मैंने बताया बेटा, उसी बेसिस पे बताना है आपने। मैम मशरूम्स आर सेप्रोफाइट्स। आप ये कह सकते हो कि जो फंजाई है, रिमेम्बर दैट वन थिंग सिंपल, अभी हम सिर्फ सेप्रोट्रॉफ्स नहीं, हम कह सकते फंजाई आर हेटरोट्रॉफ्स, वेयर एज प्लांट्स आर, ऑटोट्रॉप्स। वेरी गुड, आप बैठो बेटा। वेयर एज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वेरी गुड, दिस इज वन डिफरेंस। सेकेंड वन, बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस इन फंजाई एंड द प्लांट्स? यस, हु विल टेल मी? 7th A, 7th A, यस, एनीबडी? आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड, And there is no vacuum in fungi. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। 7th C, मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके ओके बेटा, तो हम बात कर रहे हैं कि
सीट जरा अपना माइक मैम ऑफ कर लें प्लीज, कि फंजाई आर नॉट प्लांट्स, व्हाई फंजाई आर नॉट प्लांट्स? हम कहते भी फंजाई प्लांट्स के अंदर दिए हुए, मैम आप कैसे कह रहे हो कि फंजाई प्लांट्स नहीं है? क्योंकि पहली बात, सभी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, वेयर एज ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉफ्स. तो हम जनरल कहेंगे प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वेयर एज फंजाई आर हेटरोट्रॉफ्स. सेकेंड आ जाता है, देयर इज नो वैक्यूल इन फंगल सेल्स. वेयर एज ऑल प्लांट सेल्स, चाहे कोई से भी हो, है ना, चाहे कोई से, हेटरोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफ्स, कोई भी प्लांट सेल्स हो, वेयर एज ऑल प्लांट सेल्स हैव वैक्यूल इन द सेंटर. ठीक है जी, अब अपने असाइनमेंट पे ही कोई ना कोई जगह जरूर होगी, वहीं पर ऊपर करके लिख लो, फंजाई आर नॉट प्लांट्स, व्हाई? क्वेश्चन लिखिए, फंजाई आर नॉट प्लांट्स, फुल स्टॉप करके गिव रीजन. फंजाई आर नॉट प्लांट्स, गिव रीजन. और ये दो रीजंस है, फर्स्ट एंड सेकंड. ए सेवन सी बेटा, अपना माइक ऑन ऑफ करो, थोड़ा सा आवाज बहुत आ रही है. ठीक है जी, क्यों नहीं है यहाँ पे, ध्यान से फटाफट से कर लो, इधर उधर मत देखो, फटाफट से. फंजाई प्लांट्स क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉफ्स, और दूसरा है नो सेंट्रल वैक्यूल इन फंजाई. और बेटा साथ में, क्योंकि आप 2 दिन बाद मेरे से जब मिलोगे नहीं, तो उसके बाद भूल जाओगे कि सेंट्रल वैक्यूल क्या है, तो यहाँ पे एक छोटे छोटे से दो डायग्राम बना लेने हैं. ये है प्लांट सेल, एंड दिस इज फंगल सेल. दिस इज प्लांट सेल. अगर कोई एक हमें दो सेल्स दे दे, हमें तो दिखा नहीं कि ये सेल कहाँ से आया है, ये प्लांट का है कि फंजाई का है, हमें नहीं पता चल रहा. तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इस वैक्यूल को देखेंगे. अगर तो वैक्यूल है तो हम कहेंगे ये प्लांट सेल है, अगर वैक्यूल नहीं है तो हम कहेंगे ये फंगल सेल है. डन बेटा, बना लो एवरीबडी. मैम जरा चेक करना कि सबने ये डायग्राम भी बनाया हो, क्योंकि बाद में फिर ये पूछेंगे किस. ये छोटे छोटे से डायग्राम बना लो बेटा प्लांट के साथ. डन, एवरीबडी डन, कर लो जल्दी से कर लो, फिर मैं पिछले वाला पेज करूं.
सबसे बाहर सेल वॉल है, CW मतलब सेल वॉल। क्लास वर्क मत लिख देना, आपने पूरा लिखना है, मेरे तरह नहीं काम करना। डी जल्दी से देखिए, सेवंथ बी ने बना लिया, सेवंथ जी ने भी आई होप बना लिया, सेवंथ ई, सेवंथ डी। जल्दी से, based on cell structure. बेस्ड ऑन, हमने कहा कि फंजाई एंड प्लांट्स दे आर डिफरेंट बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन। कैसे सेल स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है कि प्लांट्स में वैक्यूल है, फंगल सेल में वैक्यूल नहीं है। न्यूट्रिशन में कैसे डिफरेंस है कि फंजाई सभी हेटरोट्रॉफ्स है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब आपने ये काम करना है। मैं पीछे जा रही हूँ कि अगर अगेन मैं बता रही हूँ कि एडुकॉन ई लर्निंग यूट्यूब चैनल है, किसी का कुछ मिस हो गया हो घर जाकर वो जरूर विजिट करे। किस किस स्टूडेंट ने देखा है, एक बार खोल के देखा है? वेरी गुड वेरी गुड, जिसने देखा है, जिसने भी देखना है, हैंड्स डाउन। जरूरी नहीं है, अगर यहाँ कर लिया तो जरूरी नहीं है, बट एक बार देख लोगे तो चीजें याद हो जाएगी, राइट? तो अब हम क्या कहेंगे, अब फंजाई के करेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख लो जल्दी से, कि दे आर नॉट प्लांट्स, दे आर नॉन ग्रीन, एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, ये आपको पता है। तो क्या लिखना है आपने, ऊपर करके या नीचे करके लिख लो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, करेक्टरिस्टिक्स। जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, जल्दी से क्विक। दे आर नॉट प्लांट्स, सेकेंड है दे आर नॉन ग्रीन, कॉमा डू नॉट हैव क्लोरोफिल, एंड आर हेटरोट्रॉप्स, एंड आर हेटरोट्रॉप्स। एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। मैंने मंडे को पूछना है ये सब चीजें कैसे है, कैसे डिफरेंट है कि प्लांट के सेल्स में वैक्यूल है और फंगल के सेल में वैक्यूल नहीं है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हम करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे हमने सम ग्रीन प्लांट्स और हेटरोट्रॉफ्स, उसके बाद फंजाई में हेटरोट्रॉफ्स तो है बट उसमें क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो हम करेंगे, एंड आगे लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बारे में करेंगे। ठीक है जी, तो डिफरेंस बिटवीन, यस यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जल्दी से। यस, सेवंथ सी में से कोई बताएगा बेटा, सेवंथ सी, लेट मी, अगेन आ जाओ बेटा, आ जाओ सेवंथ सी जल्दी से।
हाँ जी बेटा बोलो। ओके बेटा, जो मैंने कल थोड़ी सी, ये तो फिफ्थ क्लास की डेफिनेशन है ना, कि ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम अदर, पहली बात तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। ये तो एक हो गई, मेरा मतलब कि भाई एक फिफ्थ क्लास की डेफिनेशन है, और थोड़ी सी रिफाइंड। यस, बैठो बेटा बैठो। सेवंथ बी, हाँ जी, रंजीत सिंह, सेवंथ बी रंजीत, आजा बेटा आजा, माइक के पास आ। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, थोड़ी सी टेक्निकल जो मैंने बताई थी वो बताओ, कि दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर। क्वेश्चन व्हाट आर हेटरोट्रॉफ्स बेटा? सीधे खड़े होके बोल, मुझे आ जाएगी आवाज, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, हाँ जोर से बोलना है। हाँ द प्लांट्स दैट कैन, हाँ जोर से बोल बेटे, जोर से एक बार, मैं आप नहीं बोल रही, आप बोलो। हाँ ऐसा नहीं, ये नहीं, बैठो बैठो बैठो, आप बैठो। सेवंथ ई, सेवंथ ई में से आ जाओ बेटा। आकाश, नहीं आकाश तो सेवंथ एफ में है, सेवंथ ई में से आ जाइए। जसकरण, आ जा बेटा। जो मैंने कल डेफिनेशन बताई, अभी भी बताई थी मैंने, द प्लांट्स विच, हाँ बोलो जो पता है वो बताओ हेटरोट्रॉप्स के बारे में। बैठो आप, सेवंथ एफ में से हाथ खड़े हैं बेटा, कोई स्टूडेंट आ जाओ आगे। हाँ हेटरोट्रॉपिक्स नॉट मेक देयर ओन फूड, ये तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, और दे आर ऑफ फोर टाइप। नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये तो रटे रटाए से है ना, ऐसे नहीं मजा आता। बैठो, सेवंथ डी, सबसे लेफ्ट साइड में रेड टी शर्ट में एक स्टूडेंट है, लास्ट सेकंड बेंच की थर्ड बेंच। हाँ जल्दी से भाग के आ जाओ। When the organism, when the living organism that make their, नहीं जो food depend on plants. That depend on other organisms for, बेटा देखो ध्यान से बैठो, फिर वही सिर्फ रटी रटाई सी डेफिनेशंस बोल रहे हो, बैठो बेटा। हाँ जी, कोई डिफरेंट बताएगा, कोई डिफरेंट इससे, विच डू नॉट फॉर्म देयर ओन फूड, इससे डिफरेंट। आओ भाग के आओ, भाग के आओ, सेवंथ एफ। हाँ Then the organisms that can form the glucose or food from the natural elements like carbon dioxide, water and minerals दे आर and ऑटोट्रॉफ्स, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स क्या है? मैम हाँ सेवंथ ई में से भी कोई बोल रहा है, आप बैठो बेटा। हाँ सेवंथ ई, हाँ हेटरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर वन और मोर रॉ मटेरियल्स। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मैम रक्षित, रक्षित, यस ओके ओके रक्षित, बैठो बेटा, वेरी गुड। सो दोबारा से सुन लो, विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, विच मे और मे नॉट फोटोसिंथेसाइज बट विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, ठीक है, दे मे सिंथेसाइज देयर फूड बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन नाइट्रोजन ऑन इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, उनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। सो द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन, ध्यान से अपने मन में बोलो जरा सारे, विच डिपेंड, जोर से नहीं आराम से अंदर अंदर, विच डिपेंड ऑन
other living organisms for one or all the nutrients. Okay, they are heterotrophs. For example, अगर हम देखें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, ठीक है, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसका क्या नाम है? ये है पिचर प्लांट. इसमें क्या होते हैं बेटा? ये ग्रीन लीव्स है, ये फोटोसिंथेटिक पार्ट्स है. दीज आर फोटोसिंथेटिक पार्ट्स. ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं. बट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ध्यान से सुनना है, मैंने पूछना है, दे ग्रो इन मार्शी एरियाज. मार्शी कौन से होते हैं बेटा? मार्शी का मतलब है दलदल वाले एरियाज होते हैं, राइट? एक मिनट, ये दलदल जहां पे होती है वहां पे होते हैं मार्शी एरियाज, वेयर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर एब्सेंट. ये बैक्टीरिया एब्सेंट है बेटा, ठीक है? तो इसलिए यहां पर इन प्लांट्स को, चाहे ये फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, बट इनमें इनको नाइट्रोजन नहीं मिलती. और अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो प्रोटीन्स कैसे बनाएंगे? रिमेम्बर दैट नाइट्रोजन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन, एक कॉम्पोनेंट है. तो इसलिए बेटा ये क्या करते हैं, ये पिक्चर्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं. जैसे ही इंसेक्ट इनके यहाँ पे बैठता है, ये जो ढक्कन है ये इमीडिएटली बंद हो जाता है. इंसेक्ट नीचे गिर जाता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड इन द फ्लूइड एंड इट्स प्रोटीन पार्ट नाइट्रोजन पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. तो पहली बात, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन डैश डेफिशिएंट एरिया. हाँ जी, कौन से डेफिशिएंट? एवरीबॉडी, दे ग्रो इन डैश डेफिशिएंट एरियाज. उन एरियाज में किस न्यूट्रिएंट की कमी होती है? नाइट्रोजन वेरी गुड, नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरियाज. और कौन से एरियाज होते हैं? मार्शी एरियाज होते हैं. क्यों नाइट्रोजन नहीं होती? बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मार्शी एरियाज में ग्रो नहीं करते. बात कर चाहिए सर से पूछो. ये लो, ये भी है. ठीक है जी, तो इसलिए दे ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट्स. क्योंकि इंसेक्ट्स लिविंग है इसलिए ये हेटरोट्रॉफ्स है. चाहे ये ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, बट नाइट्रोजन के लिए ये डिपेंडेंट है इंसेक्ट्स पे. दैट्स व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफ्स. वन इज पिचर प्लांट, दूसरा हम इसको क्या बोल देते हैं, दैट इज फ्लाई ट्रैप. और इसका साइंटिफिक नेम आ जाता है डायोनिया. ठीक है, ये भी ग्रीन है, ये ऐसे करके खुला होता है और जैसे इंसेक्ट इसके अंदर बैठता है इमीडिएटली ऐसे बंद हो जाता है. ये इसका बंद हो जाता है, इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो इंसेक्टिवोरस प्लांट, अगेन ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट्स. इज इट ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से सेवंथ ए मुझे बताएगी, सिर्फ सेवंथ ए एवरीबडी, कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन डैश डेफिशिएंट एरियाज. सारे नाइट्रोजन, सेवंथ बी बताएगी कौन से एरियाज होते हैं जहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं मिलते, कौन सी सोयल्स है? एवरीबॉडी, मार्शी एरियाज है. सेवंथ सी, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स
ग्रीन होते हैं कि नॉन ग्रीन होते हैं? एंड दे आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। सेवंथ डी, आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हेटरोट्रॉफ्स की ऑटोट्रॉफ्स? सेवंथ डी, दिल्ली वाला, वेन दे आर हेटरोट्रॉफ्स, बिल्कुल ठीक है। सेवंथ एफ, तो फिर दे आर डिपेंडेंट ऑन विच ऑर्गेनिज्म टू कंप्लीट देयर न्यूट्रिशन? सेवंथ एफ एवरीबडी, हाँ जी जोर से बोलो, सेवंथ एफ, दे आर डिपेंडेंट ऑन विच ऑर्गेनिज्म? दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट। सेवंथ जी, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट फॉर विच न्यूट्रिएंट? ऑल और नाइट्रोजन। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू? वेरी गुड। अब आ जाता है बेटा कि प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आपको बताया है, दैट इज ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद बहुत सारे ग्लूकोज आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? स्टार्च। वेरी गुड। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज भी और स्टार्च भी, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स है, राइट? अब बात आ जाती है कि प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स बाय फोटोसिंथेसिस, बट एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट द न्यूट्रिएंट्स आर, और कौन कौन से है? कार्बोहाइड्रेट्स तो है, बट इसके साथ साथ और कौन से न्यूट्रिएंट्स है? प्रोटीन्स भी चाहिए प्लांट्स को, फैट्स भी चाहिए प्लांट्स को, तो ये कैसे बनाते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि प्लांट्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स बाय मॉडिफाइंग कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो ग्लूकोस और स्टार्च बन रहा है, इन्हीं को ही कोई तोड़ मरोड़ कर कुछ और बना देते हैं, दैट आर प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज C6H12O6। इट हैज कार्बोहाइड्रेट्स, हैज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट्स, या अभी हम सिर्फ प्रोटीन्स की बात करते हैं, ज्यादा नहीं, प्रोटीन्स हैव क्या है इनमें? हैव कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दीज थ्री आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। सिर्फ प्रोटीन्स नाइट्रोजन के नहीं बने होते, प्रोटीन्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को मॉडिफाई करते हैं, नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन करते हैं एंड प्रोटीन्स बना देते हैं, राइट? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, क्रक्स हमने क्या निकाला कि प्लांट्स मॉडिफाई कार्बोहाइड्रेट्स, आपने पूरा लिखना है, विच देन ज्वाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में ये पॉइंट आप नोट कर लो, असाइनमेंट में ऊपर करके लिख लो कि प्लांट्स मॉडिफाई कार्बोहाइड्रेट्स एंड ज्वाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म प्रोटीन।
जल्दी से, ये नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला सिर्फ एक लिखो रेड पेन से जो लिखा हुआ है। ओके बेटा, करें आगे। चलिए, लिख लिया 7C। चलिए, एक बच्चे लिख रहे हैं, एक दो बच्चे लिख लो फटाफट से, फिर हम आगे चलें। चलिए जी, अब हम बात कुछ और करते हैं। एक तो हमने ये अब हमने बात की है कि बहुत सारे प्लांट्स हेटरोट्रॉफ्स भी है। हेटरोट्रॉफ्स कौन कौन से है? फर्स्ट थिंग, ऑल फंजाई। एंड दूसरी बात है सम प्लांट्स। फंजाई कैन बी, दे कैन बी पैरासिटिक। पैरासिटिक का क्या मतलब है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग होस्ट। लिविंग मतलब जो जिंदा होस्ट है जिसके ऊपर ये रहते हैं, वहां से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। देन और कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? अनदर इज सेप्रोबिक। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड मैटर। जो कभी लिविंग थे और अब डेड हो गए हैं, उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये है सेप्रोबिक न्यूट्रिशन। देन देयर कैन बी तीसरी टाइप की न्यूट्रिशन और कौन सी हो सकती है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का क्या मतलब है? फंजाई लिव इन रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड एसोसिएशन इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। म्यूचुअली मीन्स दोनों को, ये हम करेंगे। कौन कौन सी सिम्बियोटिक? जब दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहे, हम दो पड़ोसी इकट्ठे रह रहे हैं, एक कहता है मैं चावल बना लूंगा, दूसरा कहता है मैं दाल बना लूंगा, वो दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, दैट इज सिम्बियोटिक, राइट? दिस इज हार्मफुल फॉर द होस्ट। ये जो सेप्रोबिक है, ये तो डेड मैटर, दिस इज यूजफुल फॉर अस क्योंकि डेड मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाती है, वेयर एज सिम्बियोटिक इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ। प्लांट्स में कौन कौन सी हेटरोट्रॉफिक मोड्स है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और दूसरा है पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है जी, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड पैरासिटिक प्लांट्स, इज इट ओके?
फंजाई में ये मोड्स है, प्लांट्स में ये मोड्स है. एनीथिंग एल्स? फटाफट से ब्रेन में नोट डाउन करो, कॉपी में करना है तो 2 मिनट में कर लो. डन बेटा, 1 मिनट. Yes. ठीक है जी, चलिए करें आगे. अब हम इस पे क्वेश्चन. तो अभी मैंने आपको हेटरोट्रॉफिक में बताया, अब एक ये एसोसिएशन होती है माइकोराइजा. सुना है माइकोराइजा के बारे में? यस और नो? चलिए, माइकोराइजा में बेटा ये प्लांट की रूट्स है, ये रूट्स है, ये रूट है, इसके ऊपर बहुत सारी फंजाई है, ठीक है. और माइकोराइजा, जब सुना नहीं है तो इसलिए मैं बता रही हूं कि माइकोराइजा इज नॉट पैरासिटिक, इट इज सिम्बियोटिक. सिम्बियोटिक का क्या मतलब है? म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन. बिटवीन फंजाए एंड प्लांट रूट्स. ये प्लांट रूट है, इसके पास ये बहुत सारे फंजाई के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड द एसोसिएशन इज, यू नो, इट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा एंड इट इज सिम्बियोटिक. सिम्बियोटिक का क्या मतलब है कि प्लांट को भी फायदा हो रहा है, फंजाई को भी फायदा हो रहा है. कैसे हो रहा है ये हम देखते हैं कि जो प्लांट है, दिख रहा है आपको बेटा, ये जो प्लांट है इट प्रोवाइड्स शेल्टर एंड फूड टू फंजाई. वो फंजाई को कहता है तू मुझसे खाना भी ले ले और मुझसे जगह भी ले ले रहने की, है ना. ये इसका पेइंग गेस्ट है. पेइंग भी कैसे है वो, हम जैसे पेइंग गेस्ट होते हैं ना, तो फंजाई एक पेइंग गेस्ट है. उसको क्या मिल रहा है? जगह भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है. अब पे तो कुछ करना पड़ेगा फंजाई को, तो फंजाई क्या कर रहा है? फंजाई एब्जॉर्ब्स मोर वाटर फॉर प्लांट्स. वो कहता है कुछ तो तेरी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ मैं तुझे और पानी दे सकता हूं, तो मैं तुझे और पानी एब्जॉर्ब करके दूंगा. दूसरा है, वो कहता है मैं तेरे घर की रखवाली भी करूंगा, प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. ठीक है, तो फंजाई क्या है? एक पेइंग गेस्ट है. ठीक है, फंजाई इज ए पेइंग गेस्ट. सो इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट प्रोवाइड्स, या सॉरी, द प्लांट प्रोवाइड शेल्टर एज वेल एज फूड टू द प्लांट. पेइंग गेस्ट के लिए जो घर का ओनर होता है वो यही देता है, खाना और रहने की जगह. और गेस्ट को पे करना पड़ता है, वो क्या पे कर रहा है? दैट इज वाटर दे रहा है प्लांट को, और उसको उसके घर की रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. इज इट ओके? तो दोनों को फायदा है, म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. और इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा.
तो अपनी कॉपी में या असाइनमेंट पे जगह है तो लिखो, माइकोराइजा इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स, लिख लो फटाफट से। चलिए जी, अब हमने एक फंजाई में क्या बताई थी, सिम्बियोटिक एसोसिएशन, वो हमने बता दिया माइकोराइजा का। दूसरी जो है, अनदर ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम्स आर हेटरोट्रॉफ बट डू नॉट हैव माउथ टू ईट। हेटरोट्रॉफ तो है ना, जमीन पे सोयल में ग्रो करते हैं, ठीक है, वहां पे वो कैसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ जी, सेवंथ ए में से वन स्टूडेंट, आ जाओ बेटा आगे आ जाओ, बताओ। फ्रॉम द रूट्स, बेटा इसके पास कोई रूट्स नहीं होती, प्लांट नहीं है ना, ये फंगस है, इसलिए रूट्स भी नहीं है, ठीक है, बैठो आप बैठो। एनी अदर? यस, सेवंथ डी में से एक स्टूडेंट का हाथ खड़ा है, आप आगे आ जाओ। यस, विद ए येलो शर्ट, हाँ जी आ जाओ। फ्रॉम डेड मैटर. फ्रॉम डेड मैटर, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बट खाता तो है नहीं ये, फिर कैसे? आप बैठो, कोई और मुझे बताओ। सेवंथ एफ, हाँ जी आगे आ जाओ। हाँ, Turn it into solution and then absorb nutrients from it. वेरी गुड वेरी गुड, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। व्हाट दिस इज, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहां पे डेड मैटर हो। दिस इज डेड मैटर, डेड कॉम्प्लेक्स मैटर है बेटा, ये सोल्यूबल नहीं है अभी, राइट। ये जो मशरूम्स है, ये क्या करते हैं, दे पोर डाइजेस्टिव जूसेस, आउटसाइड, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं ये, कि ये मशरूम या बहुत सारी ऐसी फंजाई, ठीक है, तो मशरूम जो है ये क्या है, सेप्रोबिक न्यूट्रिशन है या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, फीड्स ऑन डेड मैटर, तो दे पोर देयर जूसेस आउटसाइड। ये जो जूसेस है दे डाइजेस्ट डेड कॉम्प्लेक्स मैटर, चेंजेस इनटू सॉल्युबल सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। लिविंग मैटर इज ऑर्गेनिक विच इज एब्जॉर्ब्ड, जैसे बेटा कहीं पे पानी गिर गया हो और उसके ऊपर आप एक टिश्यू पेपर रख दो या स्पॉन्ज रख दो, तो जैसे वो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे ही ये जो फंजाई है, जैसे मशरूम है या सेप्रोफिटिक फंजाई है, दे एब्जॉर्ब द सोल्यूबल सिंपल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सॉइल, राइट। तो ये थोड़ा सा ये लिख लो कि सेप्रोफिटिक फंजाई, यहाँ पे ऊपर लिखना सेप्रोफिटिक फंजाई, फिर यहां एरो पोर डाइजेस्टिव जूसेस आउटसाइड, फिर डाइजेस्ट डेड कॉम्प्लेक्स मैटर, चेंजेस इनटू सोल्युबल सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, ये है इनसोल्युबल, इट चेंजेस इनटू सोल्युबल सिंपल ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय सेप्रोबिक फंजाई। सेप्रोबिक और सेप्रोफिटिक एक ही बात है, ये मत सोचना कि ऊपर तो मैम ने सेप्रोफिटिक लिख दिया, यहाँ पे सेप्रोबिक लिख दिया, एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। अब अपनी असाइनमेंट जो है ना बेटा, उसके पीछे ना दो खाली पेज कल स्टेपल करके ले आने हैं, राइट।
डन बेटा, करें आगे? ओके यस सो मशरूम्स आर सेप्रोबिक फंजाई, सेप्रोफिटिक फंजाई। अच्छा एक और थोड़ी सी एग्जांपल लिख लो। सेप्रोफिटिक फंजाई एक मशरूम है, दूसरा और कौन सा है? राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। वो ब्रेड के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्रेड मोल्ड। सोना नहीं, सोना नहीं, जागो जागो बेटा जागो। अब कस्क्यूटा, ये देखिए, ये है कस्क्यूटा, ये है बेटा, ये जो थिन लाइट ग्रीन, वैसे ये येलो कलर के होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसने सारे पेड़ को घेर लिया है, दिस इज कस्क्यूटा। और ये कुछ टाइम बाद कस्क्यूटा दूसरे पेड़ों पे चला जाएगा और ये जो पेड़ है ये बेचारा मर जाएगा। क्यों ऐसा क्यों है? कस्क्यूटा इज द थिन पेल लीफलेस प्लांट, है तो बेचारा कमजोर सा थिन है, बट इट हैज द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय होल ऑफ द फॉरेस्ट। कैसे इसकी कैपेसिटी कैसे है? क्योंकि कस्क्यूटा क्या है बेटा? इट इज कौन सा प्लांट है? पैरासिटिक प्लांट है। एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट जो बनाता है कस्क्यूटा खा जाता है। और आप देखो कि एक प्लांट पे कितना कस्क्यूटा ग्रो कर गया है, तो इसलिए इट किल होस्ट प्लांट्स बाय स्टार्वेशन। होस्ट प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और होस्ट प्लांट भूख से मर जाता है। होस्ट प्लांट्स डाई ड्यू टू स्टार्वेशन। स्टार्वेशन मीन्स भूख से। तो ये कैसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है? कैन यू टेल मी? हाँ जी बेटा, सेवंथ बी पीछे एक ग्रीन कलर में स्टूडेंट है, मैम के आगे बैठा है, सेवंथ बी। हाँ जी चलिए, सेवंथ ई में से आ गया, कोई बात नहीं। सेवंथ पहले आप भी आ जाओ, सेवंथ बी में से पहले सेवंथ ई वाला आंसर दे दे। हाँ जी मैम, दे हैव थिन ट्यूब्स कॉल्ड फॉस्टोरिया, ट्यूब्स क्या रूट्स है कि ट्यूब्स है? अच्छा आप बताओ बेटा, आप बताओ। जैसे सेवंथ बी, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आप बैठो बेटा, सेवंथ ई वाला बैठो अपनी जगह पे। हाँ जी क्या है फॉस्टोरिया? क्या चीज है बेटा? बेटा मेरे ख्याल से माइक ऑन कर लो, सेवंथ बी। हाँ दे आर बटर हॉस्टोरिया। सेवंथ ए में से भी कोई बता रहा है? हाँ जी बोलो बेटा। ऑस्टोरियाज आर द थिन स्लेंडर स्टेम्स ऑफ अ मार्बल प्लांट। अमरबेल प्लांट है ना? नहीं, सब बैठो बेटा, पहली बात तो बैठो बेटा, मैं बताती हूँ। कस्क्यूटा इज अमरबेल। अमार्बल नहीं कह देना या मार्बल नहीं कह देना, इट इज अमर बेल, आकाश बेल, ठीक है? और अमर अमर क्यों कह देते हैं? कि ये प्लांट्स को खाती रहती है, खुद तो जीती ही है, एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, खुद तो अमर है ये, बाकी प्लांट्स को खत्म कर देती है। और इसके पास क्या है? पैरासिटिक प्लांट्स। ए कौन बता रहा है बेटा? विच स्टूडेंट, कौन सी क्लास का है? मुझे दिख नहीं रहा। सेवन? मैम सेवेंथ जी, हाँ बोलो बेटा, आप बोलो मैम द फॉल्स रूट इन इज कॉल्ड हिस्टोरिया इन द बेटा। थोड़ा कस्ट। सा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। पैरासिटिक प्लांट्स फॉल्स रूट्स नहीं है, हैव सकिंग रूट्स बेटा, दे आर सकिंग रूट्स। आपने शायद फॉल्स रूट्स इसलिए कह दिया कि वो जमीन में नहीं है, इसलिए आपने, बट इनको हम क्या बोल देते हैं? सकिंग रूट्स या हॉस्टोरिया, जो होस्ट प्लांट में से फूड को चूस लेती है।
इसलिए सकिंग रूट्स कहती हम. सो पैरासिटिक प्लांट्स हैव सकिंग रूट्स और हॉस्टोरिया, जिसको वो होस्ट के अंदर डाल देते हैं एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट. ओके करें आगे. Yes. चलिए ये तो लेग्यूम्स के बारे में आ गया, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ठीक है, तो हमने पहली बात क्या की, एवरीबॉडी कौन बताएगा, सेवंथ ई बताएगी, सेवंथ ई, कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ऑटोट्रॉप्स की हेटरोट्रॉप्स, यस सेवंथ ई. आ जाओ आ जाओ. हाँ हेटरोट्रॉप्स. दे आर हेटरोट्रॉप्स, बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा. जो मशरूम, जो फंजाई है, आर दे प्लांट्स, सेवंथ सी. यस वन स्टूडेंट. हाँ नो दे आर नॉट प्लांट्स, पहली बात तो. देन सेवंथ डी, जो फंजाई है, ऑटोट्रॉप्स की हेटरोट्रॉप्स. आ जाओ फटाफट भाग के आ जाओ. हाँ हेटरोट्रॉप्स. दे आर हेटरोट्रॉप्स, बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा. तो चलिए आपका टाइम हो गया, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. चलिए ठीक है, अब आपके पास असाइनमेंट भी है. ये असाइनमेंट बेटा कोशिश करो एक फोल्डर में रखो, जो बटन वाला फोल्डर होता है, ताकि संभाल के रहे. और दूसरा, असाइनमेंट के पीछे दो पेपर आपने स्टिच कर लेने हैं, ठीक है, स्टेपल कर लेने हैं, ताकि इसमें जो लिखना हो वो लिख लो. ओके एंड वी विल कंटिन्यू विद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नेक्स्ट टाइम, राइट? ओके बेटा, बाय बाय. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा बोलो. इज फंजी अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया? नहीं बेटा, बैक्टीरिया अलग चीज है, फंजाई अलग चीज है, ठीक है. फंजाई आर डिफरेंट, बैक्टीरिया आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका सेल का स्ट्रक्चर सब डिफरेंट है, ठीक है. तो बैक्टीरिया एक अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, फंजाई एक अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स एक अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम. ओके बाय. ओके बेटा, बाय बाय.